breakfast is ready here. बस सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल. होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल. दिस इज द डे वन इन द मैनचेस्टर एंड अभी हमारा नाश्ता चल रहा है. सुबह के 8 बज चुके हैं. हम 6 बजे उठ चुके थे लेकिन थोड़ा इधर उधर टाइम पास और बहुत ठंड थी. अभी भी 8 बज गए लेकिन यहाँ पे अंधेरा ही पूरा का पूरा छाया हुआ है. सो अभी नाश्ता करेंगे फिर आगे का देखेंगे क्या कर सकते हैं. कल थोड़ा लेट हुआ हमें आने को और लेट आने की वजह से कुछ शूटिंग नहीं कर पाए. हम पूरा थक गए थे. आके नहा के थोड़ा जाके ग्रोसरी वगैरह लेके आए. फिर उसके बाद थोड़ा सा खाना वगैरह खाया और फिर डायरेक्टली 6 बजे कल शाम को सोए थे हम और डायरेक्टली आज सुबह 6 बजे उठे. तो 12 घंटे की नींद कंप्लीट करके उठ चुके. ये बंदा भी उतना नहीं सोया है लेकिन ये बंदा रात भर कुछ ना कुछ तो करता रहा मोबाइल पे. तो अभी चल रहा है, देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें बनती है. और हमारा ये पहला दिन है मैनचेस्टर में. सो देखते हैं अभी क्या कर पाते. आज क्वारंटाइन बोला तो है लेकिन ग्रॉसरी खरीदने जा सकते हैं अपन. सो अभी ग्रॉसरी खरीदने के लिए जाएंगे, बाद में तब दिखाएंगे आपको कैसे कैसे चीज़ें बनती है. ओके सो गाइस बेसिकली अभी हम बाहर निकल चुके हैं थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग करने के लिए. सो ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग करेंगे फिर देखेंगे आगे कैसे कैसे जाते हैं यहाँ से. तो ये हमारे कॉलोनी का कॉर्नर है. कॉलोनी मतलब बहुत बड़ी है भाई, क्या ही बताऊँ मैं. इस साइड से हमारा घर है. घर मैं अभी नहीं बताऊँगा, घर के लिए मैं अलग से व्लॉग करूँगा जो कि मैंने कैसे कैसे किया वो सब. इस साइड मेरा घर है. सो इधर से हम चलते हुए आए ऐसे. इस साइड एक ग्रोसरी शॉप था जहाँ से हमने कल जब आए थे तब उधर से हमने शॉपिंग की थी. यहाँ पे ये सब है, लॉन्ड्री मशीन और ये कुछ तो आइसक्रीम का है, नूडल्स हाउस है, सब कुछ है यहाँ पे. और कॉस्मो बार्बर शॉप है उधर. सबवे वगैरह भी है. सो आगे आगे जैसे हम चलते जाएंगे वहाँ पे सबवे वगैरह भी दिखेगा अपने को. यहाँ पे फार्मेसी स्टोर है, ये कुछ तो मेडिकल सेंटर है मतलब शायद से हॉस्पिटल वगैरह कुछ तो होगा. तो देखेंगे अभी. सो अभी तो हम कुछ तो खरीदेंगे अगर मिला तो. यार ये क्या है भाई. अभी तो हम कुछ तो खरीदेंगे यहाँ पे, मतलब खाने की चीज़ें वगैरह देख सकते हैं. नहीं तो अगर मतलब पहली बात तो हमें कल से ओनियंस और टोमेटो ये दोनों नहीं मिला है कहीं पे भी. मतलब 3-4 दुकान हमने फिरे इधर लेकिन कुछ भी नहीं मिला. सो अभी हम वो ढूंढने वाले हैं. हमारा सिद्धार्थ यहाँ पे हम देख सकते हैं घर वालों के साथ बातचीत कर रहा है. सो अभी हम घूम रहे इधर. तो देखते हैं अभी कैसे कैसे चीज़ें बनती है. अभी उधर जाएंगे, कुछ नहीं मिला तो भाई सबवे में जाके थोड़ा सा कुछ तो खा लेंगे और देखते हैं अभी क्या करेंगे आगे. बट मैं अपडेट देता ही रहूँगा. नाव्याचं दुकान असलं असेल कधी वाटलं होतं का नाव्याचं दुकान कभी सोचा था तुमने कि बार्बर शॉप ऐसे भी देखने को मिलेगा आपने को. ये क्या है, तुर्कमेन ग्रिल. ग्रिल कुछ तो है बे, क्या करेंगे अफगान. ओ ये यहाँ पे नहीं जाना आपने को. बियर शॉप भी कुछ तो है. तो कुछ बर्गर किंग चेस्टर्स इधर भी मिलता है भाई कुछ तो. सबवे है सामने. सबवे जाएंगे अपन अभी. इधर फूड बास्केट है, इधर जाके ढूंढ के आते चल क्या मिलता है. अरे वो फ्री कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉ कर सकते हैं उधर से अपन. करेंगे चल बाद में. ये कांदा है रे बहुतेक. कसा लसून असेल
खाली ले जाओ काय माहिती काय रे लसूण आहे एवढा मोठा लसूण बाप रे काय याम याम काय पोटॅटो आहे स्वीट पोटॅटो आहे ठीक आहे टोमॅटो आहे टोमॅटो तर मी आले बाबा सप्ला विषय कांदा तर दगड म्हणजे काय दगड कुठली काय म्हणते मीच खाणार की तू काय खात नाही तू काय खात नाही अंडी तुझा काय उपयोग नाही अंडी तू काय खात नाही तुझा काय उपयोग नाही कांदा बघ कांदा मला पण कांदा वाटायला लागले इथले कांदा एक वेगळा असतील त्याच्यावर काय लिहिले वाच की जरा ओरिजिनल साईन हे तर फुटलेला आहे की नाही कांदा नाही लसूणच आहे बघायला पाहिजे मग काय सो गाइज बेसिकली एक ग्रोसरी शॉप फूड बास्केट नाम का और हम यहाँ पे ओनियन्स ढूंढ रहे कल से एक भी ओनियन नहीं मिला हमको ये क्या है भाई क्या मालूम इसको तो पूछना पड़ेगा शायद से हलो हलो कितना बड़ा है भाई अकेला देख रहे हो भाई साहब ये सब कुछ है यहाँ पे हाँ मिल्क लेते हैं अभी घे की बास्केट मिल्क घे कुठलं घ्या मोठं घ्या पनीर घ्यायचं काय फ्री प्रिस्क्रिप्शन कलेक्शन अँड डिलिव्हरी सर्व्हिस एनिव्हेअर इन मॅन्चेस्टर मशीन टाकला की 30,000 pounds म्हणला इयरली 30,00,000 rupees ही विल नॉट रिस्पेक्ट यू ओके सिद्धार्थ वी हॅव टू वेट क्यूट है अरे स्विफ्ट अरे का जाय ले चल जाऊया तिथं पेडिस्ट्रियन्स ना अलाउड आहे वाटतं रे आपल्याला नाही आहे तिकडं बारी चांगलं की नाही खरं तो ओ पीसी हार्ड इलेक्ट्रिक होती इलेक्ट्रिक है सो बेसिकली द थिंग इज कि अभी हमने अंडे वगैरह लिए थे और वो सब जाके रख के आए और अभी इधर ओनियंस लिए इधर एंड क्या लिया है और क्या लिया है सबवे से पार्सल लिया है क्योंकि आज खाना बनाना नहीं था हमें इसी के लिए सो देखते हैं अभी बेसिकली बहुत मतलब एक्सपेंसिव लगती है हमें चीज़ें लेकिन इसके लिए एक्सपेंसिव नहीं है भाई लोग ऐसा कुछ भी नहीं है करेंगे हम जैसे लोगों के लिए एक्सपेंसिव पार्ट टाइम करेंगे तभी देखेंगे क्या क्या एक्सपेंसिव होता है खुद के पैसे से करेंगे तब थोड़ा सा मतलब पता चलेगा ऐसे मुझे लगता है सो लेट्स सी हाउ इट गोज अभी हम जा रहे हैं घर को फिर घर में जाके देखेंगे कि खाना वगैरह खाएंगे अभी बजे है कितने कितने बजे कितने बजे ले रहे 5 o'clock सो 5 o'clock अभी इवनिंग के 5 o'clock अभी तो इंडिया में बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं इस टाइम पे यहाँ पे 5 o'clock और अंधेरा हो चुका है पूरा का पूरा देख सकते हैं आप हमारा घर ही नहीं पहचान पा रहे हम 2 times इधर से गए और दूसरे ही घर में घुस गए थे तो यहाँ पे हमें घर ही हमारा पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है कार देख सबके पास BMW ऑडी है यहाँ पे उतना रहता ही है भाई सबके पास रहेगा ही उतना अभी मेरे को अभी वो इसके अंदर 2-wheeler है देख सिर्फ एक ही बड़ा वाला होगा किसके अंदर ट्रेलर के अंदर 2-wheeler है नहीं रे देखा मैंने 2-wheeler है बाद में दिखेगा ठीक है होगा चल अगले ब्लॉग में दिखाना अगले ब्लॉग में दिखाएंगे आपको सब इसको पता है हम इसको फॉलो करते हैं ये देखो इस बंदे को देख लो नाइस जोक सो अभी व्लॉग अपलोड करने वाला था लेकिन इंडिया का टाइमिंग अभी 11 o'clock से ऊपर हो जाएगा हो गया होगा मेरे से भी हो गई गलती चलो अबे रोड याद में रखना वो
रोड से अंदर जाना है अपने को। हाँ, रोड के सामने ही। हाँ वही तो ना। सो व्लॉग अभी कल सुबह आ जाएगा, देखते हैं अभी। तो आर्टिफिशियली ऐड कर लेते हैं। माणसं बघायला तर म्हणणार खुळे तर वाढते बाहेरून प्यायला। ओके सो वेलकम बॅक टू द चॅनल। इट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग अँड अभी कितने बजे, 7 बजे है सुबह के और अभी भी अंधेरा है और हम लोग ये स्टंट कर रहे हैं कि ठंड में आके यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं। ये देखो, इसको देखो, मैचिंग हो गया आज। सो गाइज, इट्स 1 o'clock इन द आफ्टरनून और शायद से आज हमारा क्वारंटाइन ख़त्म हो चुका है। सो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं हम। अभी हम जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रोसरी खरीदने के लिए, ग्रोसरी मतलब ब्रेड वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पे कुछ तो हुआ है और पुलिस आ चुकी है, बहुत सारी दिखा नहीं सकता भाई, पकड़ के लेके जाएंगे अपने, कोई मालूम नहीं क्या करे। ओके सो आज थोड़ी ठंड कम है, कम मतलब ज़्यादा नहीं, 7 डिग्री है सिर्फ, 7 डिग्री। सो 7 डिग्री के हिसाब से और मैं जस्ट नहा के बाहर निकला हूँ। सो यार थोड़ा बहुत तो पसीना भी आ रहा है मेरे को पहली बार ऐसा हुआ कि यूके में पसीना आ रहा है, तो वैसी बात नहीं है। नहा के आया हूँ गरम गरम, पूरा गरम गरम, पूरा एकदम ऐसे फॉग फॉग हो गया था बाथरूम में सो मजाक की बात, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम थोड़ा सा ब्रेड वगैरह लेंगे और क्या लेना था भाई, कुछ तो लेना था, भूल गया, जाके देखेंगे उधर। सो बेसिकली वी बाइट सम ब्रेड एंड सम मेयोनीज फ्रॉम द स्टोर। तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस अपने। 150 रुपये में ब्रेड और अराउंड 175 रुपीज में मेयोनीज मिला है अपने को, 1.75 pound एंड 1.50 pound ऑफ ब्रेड। सो अभी इंडियन रुपीज में पैसा लगाया है तो इंडियन रुपीज में ही देखेंगे ना, जब तक खुद का नहीं कमाते तब तक वैसा ही चलेगा भाई। देखते हैं अभी कैसे कैसे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी कार्स का कुछ तो है भाई, शायद से ये रेंटल शॉप है या कुछ मालूम नहीं, यहाँ पे पेट्रोल पंप था शायद से। ये देखो, ये हमारे यहाँ पे पेट्रोल पंप पे लगा होता ना, हाँ यस शायद से पेट्रोल पंप था, लेकिन अभी मालूम नहीं, कुछ तो इन लोगों ने बदल दिया है। देखते हैं अभी। सो हमारा मेन व्लॉग जा चुका है चैनल पे और 355 व्यूज भी हिट कर चुका है एंड वी हैव कंप्लीटेड द माइलस्टोन ऑफ 1204 सब्सक्राइबर्स। सो या कुछ तो हो रहा है यार, हो रहा है हमारे साथ। गाइज फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड होप यू प्रमोट माई चैनल, शेयर करो यार, और थोड़े बंदे हमारे साथ जुड़ने चाहिए। और इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ही एंड। एंड ऐसे ही व्लॉग्स देखना चाहते हो तो यार मेक श्योर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, करते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, हमारी फैमिली बढ़नी चाहिए। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर करना मत भूलिएगा एंड हाँ कमेंट करना भी मत भूलिएगा, अगर कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी डाउट वगैरह हो इस जर्नी के रिलेटेड, सो मेक श्योर यू कमेंट डाउन सो दैट आई कैन रिप्लाई यू, वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। थैंक यू सो मच।